समंदर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। हवा में रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। और जमीन पर रूस की घातक यार्स मिसाइल। धरती पर महाविनाश के संकेतों की कमी नहीं है। एक बहुत बड़े घमासान की तैयारी शुरू हो गई है। अभ्यास के नाम पर जिन हथियारों को जुटाया जा रहा है उससे नेटो और रूस का तनाव अब चरम पर है। धरती के दो हिस्सों में रूस और नेटो की सेना जिस मकसद से जुट रही है, दोनों देश खुद को जिस महासंग्राम के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर सचमुच वह हुआ तो अंजाम संपूर्ण धरती का महाविनाश होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का अंजाम और अंत दोनों परमाणु युद्ध हो सकता है, यह आशंका अब और गहराने लगी। तो उसकी वजह मौजूदा हालात है। अपडेट नंबर एक, एटमी बॉम्बर की उड़ान, आसमान में डला घमासान। यह रूस का TU-95 MS स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर है। नेटो रूस के बीच बढ़ते तनाव को इस बॉम्बर ने एक बार फिर भड़का दिया है। सोमवार को रूस के दो TU-95 MS ने उड़ान भरी। दोनों बॉम्बर बेरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर पहुंचे। दोनों बॉम्बर न्यूट्रल वाटर क्षेत्र में थे। 5 घंटे तक दोनों बॉम्बर्स ने अलग अलग रूट पर उड़ान भरी। अपडेट नंबर दो, रूसी बॉम्बर का पीछा नेटो ने फाइटर जेट भेजा। रूस के दोनों बॉम्बर जिस इलाके में उड़ान भर रहे थे उसी इलाके में इन दिनों अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ट मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से युद्धाभ्यास चल रहा है। यही वजह है कि रशियन बॉम्बर्स को देखते ही नेटो भी एक्शन में आ गया और नेटो के F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। दोनों देशों के बीच आसमान में टकराव का सीन तैयार हो गया था, लेकिन रशियन बॉम्बर वापस लौट गए। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के नॉर्वे के करीब पहुंचने के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है। USS गेराल्ड फोर्ट पोथ ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसमें डबल बैंड रडार सिस्टम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में सिर्फ इसी पोत पर है। वहीं इसकी ताकत बढ़ाते हैं पोर्ट पर तैनात 90 जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, जिसमें 5वीं पीढ़ी के F-35C फाइटर जेट भी शामिल है। इसी पोत को दक्षिणी इंग्लैंड में पोर्टस्माउथ के पास तैनात किया जा रहा है। अमेरिका रूस के बॉर्डर के करीब सैनिकों की तैनाती तेजी से बढ़ा रहा है। जवाब देने की तैयारी रूस की तरफ से भी हो रही है। अपडेट नंबर 3, रूस के बिल्कुल पास US का नया युद्धाभ्यास। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि रूस के बेहद करीब मौजूद है नेटो के 14 देशों की सेना। युद्धाभ्यास के बहाने ये जमावड़ा लगा है। नाम दिया गया है आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023। युद्धाभ्यास फिनलैंड में हो रहा है। फिनलैंड नेटो का नया सदस्य है जिसकी सीमा रूस से मिलती है। यहां अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों की सेना मौजूद है।
रूस की सीमा के करीब नेटो के 7,500 सैनिकों की मौजूदगी है। 1,000 से अधिक वाहन और 150 लड़ाकू विमान भी लाए गए हैं। अंदाजा लगाइए, एक तो फिनलैंड को नेटो में शामिल करना और फिर रूस की सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर नेटो की सेना का आना, ये रूस के लिए ओपन चैलेंज की तरह है। रूस के शक्तिशाली रडार तैनात होने के साथ ही अब रूस ने भी युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी। अपडेट नंबर 4, बाल्टिक में नेवी का एक्शन, ताकत दिखा रहे रशियन। सोमवार से बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर में रूस की सेना का एक्शन शुरू हो गया है। रूस ने बाल्टिक में अपने 40 युद्धपोत, 3,500 सैनिक और 25 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया है। अब हालात बिल्कुल युद्ध की तरह है। रूस की एक्सरसाइज 15 जून तक चलेगी। बाल्टिक में इस वक्त नेटो के 50 युद्धपोत, 6,000 जवान और 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। दोनों देशों का एक साथ आसपास युद्धाभ्यास किसी भी वक्त युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। यही वजह है कि रूस के एक टीवी शो में परमाणु युद्ध को बेहद करीब बताया गया। रूस की ताकत का बखान करने वालों ने 15 मिनट में दुनिया खाक होने की आशंका जताई। जमीन और हवा में फुल एक्शन के साथ ही रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को भी वॉर जोन में भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का यार्स मोबाइल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम अलाई टेरिटरी से निकला था और इसे बारनौल मिसाइल डिवीजन में तैनात किया जाना था। अब रूस ने इसे युद्ध के लिए तैनात कर दिया है। तैयारी दोनों तरफ से, एटमी हथियार की भी कमी नहीं है। अगर परमाणु वॉर की शुरुआत हुई तो धरती के एक बड़े हिस्से का बर्बाद होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।